वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंडित जी। तो गाइस, जो लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से पढ़ाई करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, उन लोगों का जो बुक होता है बाल भारती का बुक यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आप फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बुक के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आपका बच्चा कोई सेकेंड क्लास में है, अगर आप उसको आगे का पढ़ाई पढ़ाना चाहते हैं छुट्टियों में 3rd स्टैंडर्ड का, तो आप इस बुक को डाउनलोड करके थोड़ा बहुत उसको पढ़ा भी सकते हैं। और यह काफ़ी यूज़फुल वेबसाइट है और यह गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो कुछ महीनों से यह वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई बुक डाउनलोड करने की कोशिश करता देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं इसको डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ तो यह डाउनलोड नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3 डॉट पर आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे मैं डाउनलोड पर गया पर यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यह प्रॉब्लम काफ़ी लोग को फेस करना पड़ रहा है कुछ महीनों से। तो आज का यह प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ और किस तरह आप बड़े आसान तरीके से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए गाइस, हम आगे जानते हैं किस तरह हमको बुक को डाउनलोड करना है। गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। उसके बाद मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना है और उसको सर्च कर लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं यह वेबसाइट का नाम है, यही वेबसाइट आपको सर्च कर लेना है। तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप साइज पर क्लिक कर देता हूँ, 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप साइज पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको क्या करना है, महाबोर्ड पर क्लिक करना है और इसको इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर देना है। आप इंग्लिश या मराठी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इंग्लिश मीडियम मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, जूम करना है इसको और यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2021 to 2022 बाल भारती बुक्स। यहाँ पर देख सकते हैं फ्री बुक डाउनलोड PDF, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक PDF क्लास का, फर्स्ट क्लास का बुक देख सकते हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी तरह आप फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का बुक यहाँ पर देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं किसी बुक को डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का बुक डाउनलोड कर लेता हूँ और मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लोड हो चुका है बुक का, किस तरह इंटरफेस दिखाई देता है। फर्स्ट पेज इस तरह पर देख सकते हैं, 130 पेजों का यह बुक है। तो अब मुझे इसको डाउनलोड करना है तो मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। यह मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया है और यह डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, चेक करना है मेरा बुक डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। इसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड के ऑप्शन पर चले जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 MB का यह बुक है और यह डाउनलोड हो रहा है, 17 MB हो चुका है। अब ये देख सकते हैं, अब मैं इस बुक को ओपन कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर बुक ओपन हो चुका है। इस तरह आप बड़े आसान तरीके से किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। और इस वीडियो का आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लोग स्टूडेंट हैं और जो लोग पेरेंट्स हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप टेक्निकल पंडित जी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।